सो फाइनली गाइज इंटेल ने यहाँ पर लॉन्च कर दिए अपने 10th जनरेशन के HEDT प्रोसेसर्स। HEDT माने कि हाई एंड डेस्कटॉप प्रोसेसर्स जो कि हैं वो लॉन्च कर दिए हैं मार्केट में। ये वही प्रोसेसर्स हैं जो कि आप लोग देखेंगे प्रोफेशनल वर्क स्टेशन में या फिर प्रोडक्टिविटी या 3D डिजाइनिंग रिग्स जो है, जहां पर मैं कहूँ कि प्रोफेशनल लेवल का जो वर्कलोड है वो आपके PC के ऊपर डलने वाला है, वहां पर ये जो प्रोसेसर्स हैं इनको यूज किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर टेस्टिंग के लिए है इंटेल के 2 कॉन्फिडेंशियल सैंपल्स जो कि हैं कोर i9-10980XC और साथ ही में कोर i9-10920X। सो आज बात करेंगे गाइस इन दोनों ही प्रोसेसर्स के बारे में और साथ ही साथ कंडक्ट करेंगे कुछ सिंथेटिक बेंचमार्क्स। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखें और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। अब यहाँ पर जो i9-10980XE प्रोसेसर है वो आता है 18 कोर्स और 36 थ्रेड्स के साथ में। यहाँ आपको 3 GHz की बेस क्लॉक और साथ ही साथ 3.8 GHz की ऑल कोर बूस्ट क्लॉक जो है वो दी जाएगी। वहीं बात कर ले i9-10920X की तो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे 12 कोर्स और साथ ही में 24 थ्रेड्स, साथ ही साथ आपको 3.5 GHz की बेस क्लॉक और 4.3 GHz की ऑल कोर बूस्ट क्लॉक जो है वो दी जाएगी। इन दोनों ही प्रोसेसर्स को टेस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर है गीगाबाइट का X299X Designer 10G मदरबोर्ड जो कि बहुत ही कमाल का मदरबोर्ड है और इसको ही यूज करेंगे हम आज के बेंचमार्क्स और टेस्टिंग के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर Corsair की Vengeance Pro मेमोरी मॉड्यूल्स का यूज करूंगा। मेरे पास यहाँ पर 8 GB के 4 मॉड्यूल्स हैं जिन्हें मैंने 3600 MHz पर ओवरक्लॉक कर रखा है और साथ ही साथ क्वाड चैनल कॉन्फ़िगरेशन में इन मेमोरी मॉड्यूल्स को हम लोग रन करेंगे। डिस्प्ले के लिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे गैलेक्स का RTX 2070 सुपर ग्राफिक्स कार्ड। हालांकि हम यहाँ पर किसी भी तरह के गेमिंग बेंचमार्क्स नहीं करने वाले इस वीडियो में क्योंकि ये जो प्रोसेसर्स हैं जैसा कि मैंने बताया ये मोस्टली जो है प्रोफेशनल वर्क स्टेशन में यूज होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर मैं अभी के लिए फिलहाल के लिए जो गेमिंग बेंचमार्क्स हैं वो नहीं करने वाला। वेल तो टू बी रियली ऑनेस्ट अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मुझे कैसा परफॉर्मेंस लगा इन प्रोसेसर्स का और क्या जो ये प्रोसेसर्स हैं इनमें आपको परफॉर्मेंस में कुछ मेजर बम्प देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू 9th जेन के जो i9 एक्सट्रीम प्रोसेसर्स थे जो कि इंटेल के आइस लेक आर्किटेक्चर पर बेस्ड थे, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं, कुछ भी ऐसा मेजर परफॉर्मेंस बम्प जो है वो आइस लेक से कैस्केड लेक में देखने को मुझे नहीं मिला। और टू बी रियली ऑनेस्ट अगर आपको सच बताऊं तो मेरे हिसाब से इट वुड बी अ बेटर वैल्यू फॉर मनी कि अगर जो कंज्यूमर है वो इस प्रोडक्ट को बाय करने के बजाय जो है AMD का Ryzen 9 3900X या 3950X ले ले तो भी यू आर गुड टू गो। आई मीन इट वुड साउंड सो लेम बट यही सच है कि जो AMD के इस टाइम पर जो मेन स्ट्रीम जो डेस्कटॉप प्रोसेसर्स हैं जो कि नॉर्मल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं वो भी बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहे हैं एक हाई एंड डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म के जो कि इंटेल ऑफर कर रहा है। सो दैट सो स्ट्रेंज टू मी, आई डोंट नो व्हाट इंटेल इज डूइंग करेंटली बट दिस इज व्हाट इट इज, यही है अभी जो मार्केट में चल रहा है फिलहाल। आई मीन मैंने खुद यहाँ पर Ryzen 9 3900X जो उसको यूज कर रखा है और जो परफॉर्मेंस है या फिर मैं कहूँ जो वैल्यू फॉर मनी है मोर ओवर वो वे बेटर है एज कम्पेयर टू द 10920X स्पेशली जो कि सेम 12 कोर्स और 24 थ्रेड्स के साथ आता है लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस टैग पर आता है। तो इस हाई एंड डेस्कटॉप प्रोसेसर से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो एक मेन स्ट्रीम प्रोसेसर का है, तो दैट समथिंग विच आई कंसिडर इज नॉट वेरी गुड। और या यू शुड बी हैप्पी कि इंटेल 10th जनरेशन इज फाइनली हेयर बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू या मैं कहूँ कि कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। और हाँ अभी के लिए तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बाकी जब मेन स्ट्रीम प्रोसेसर्स आएंगे तो फिर से हम लोग वीडियो बनाएंगे और देखते हैं कि क्या वाकई में कुछ स्पेशल भी है या फिर सेम डिसअपॉइंटमेंट ही हम लोगों को देखनी पड़ती है। अब देखना यह है कि अगर आप एक HEDT हाई एंड डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो क्या ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है, क्या आपको जो इंटेल के एक्सट्रीम सीरीज के प्रोसेसर हैं i9 एक्सट्रीम सीरीज के प्रोसेसर्स वो आपको लेने चाहिए या फिर आप लोगों को जाना चाहिए AMD के 3rd Gen Threadripper प्रोसेसर्स के साथ। तो मेरे पास वो भी ऑलरेडी रिव्यू के लिए आ चुका है और बहुत जल्द मैं इन दोनों की जो कंपैरिजन वीडियो है वो भी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए ताकि आप डिसाइड कर सके कि अगर आज की डेट पे आप एक HEDT प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या वाइस चॉइस यहां पर रह सकती है। फिलहाल के लिए गाइस ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ से साथ शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को भी ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।